दोस्तों जय हिंद। वाईफाई स्टडी शौर्य में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में बेटा हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इससे पहले कुछ बातें अनअकैडमी के बारे में, कुछ बातें अपने बारे में, फिर सेशन को बेटा स्टार्ट करते हैं। तो नाउ दिस इज गौरव सिंह एंड आई हैव मोर देन 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो आई क्वालिफाइड NDA, CBSE, UPSC, सिविल सर्विसेज। I have keen interest in teaching given more than 1000 plus selection based government exams. Now, you all are crack NDA Air Force extended by Navy with India's largest learning platform, Unacademy. So all you get the plus subscription as is unlimited and I've recorded courses from India's best educator. So all you get the plus subscription. आपको यहाँ पे बेटा क्या मिलता है, व्हाट यू विल बी गेट? आपको यहाँ पे मिलता है बेटा डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एसेस। इफ यू टॉक अबाउट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बेटा अगर बात करें तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसको बेटा जरूर इंस्टॉल करें, चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको तैयारी का पूरा पैकेज मिल जाता है विद इंडिया बेस्ट एजुकेटर। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ आपको पूरा पैकेज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलता है। स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, प्लस क्लासेस होती हैं। अगर हम बात करें लाइव फ्री लाइव क्लासेस की, तो यू आर जॉइन द फ्री लाइव क्लासेस एंड एक्सपीरियंस प्लस फॉर इट फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम बेस्ट। नाउ यू मस्ट जॉइन द फ्री लाइव क्लासेस। सिलेबस की बात करें तो बेटा मोर देन 1400 कोर्सेज फॉर NDA एयर फोर्स एक्सटेंड बाय नेवी अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो ऑल यू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन। आप बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लें, चीजों को जरूर समझें, ठीक है बेटा? तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं। नाउ यू ऑल आर अनलॉक माई फ्री कंटेंट। आप मेरा फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग माई कोड GH01। GH01 कोड का इस्तेमाल करके आप बेटा फ्री कंटेंट जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। नाउ स्टेप टू ज्वाइन द अनअकैडमी क्विज। अनअकैडमी क्विज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा एंड देन सेलेक्ट द गोल और मेन्यू बटन पे जाकर प्लस को ज्वाइन करना पड़ेगा। सेलेक्ट द लेबल टेस्ट इन द टैब एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एंड क्लिक द ज्वाइन क्विज। ज्वाइन क्विज को ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड एंटर कोड, कोड को एंटर करना पड़ेगा, ठीक है? तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू ज्वाइन द अनअकैडमी क्विज। टेलीग्राम ऐप की बात करें तो वाईफाई स्टडी शौर्य इज द टेलीग्राम चैनल। वाईफाई स्टडी शौर्य टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? जिसको बेटा जरूर ज्वाइन करें और चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऑफर्स ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन पे जो ऑफर्स की अगर हम बात करें तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है, 12 मंथ पर आपको 2 मंथ का जो है फ्री मिलता है। 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 24 मंथ्स पे आपको बेटा 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये ऑफर्स हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन पर बेटा ऑफर्स हैं। ग्रैंड कॉम्बो ऑफर की बात करें तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 साल का SSB का सब्सक्रिप्शन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। NDA एयर फोर्स एक्सटेंड बाय नेवी की बात कर रहे हैं इसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की, तो 12 मंथ का जो चार्ज है बेटा 8,800 रुपये है विदाउट बिना डिस्काउंट, और 20 मंथ्स का जो चार्ज है वो 10,560 रुपये है 24 मंथ्स का। इस पर जो हम GS01 कोड यूज करते हैं, तो 10% का डिस्काउंट मिलता है और जो 8,800 की जो फीस है वो 7,920 रुपये हो जाती है। और इस पर 10,560 रुपये पे जो हम GS01 कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है बेटा जो चार्ज 9,504, ठीक है? मतलब 2 साल की फीस जो लास्ट फीस है वो कितना है, 9,504 है, और 2 साल की जो लास्ट फीस है वो 7,920 रुपये है। अप्लाइंग GS01 इस कोड का आप जो अप्लाई करोगे, है ना, इसी तरह का डैशबोर्ड खुलकर आएगा जैसा आपके सामने दिख रहा है। नीचे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन होगा, इसके बगल में यहाँ पे कोड डालना होगा आपको जहाँ पे अभी डला हुआ है। तो इस तरीके से आप चीजों को अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी 24 मंथ्स पर और 12 मंथ्स पर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो आपको इसी प्राइस में 9,504, इसी प्राइस में आपको 28 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ना कि 24 मंथ्स का मिलेगा। और इसी प्राइस में बेटा आपको आपको 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है?
तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू और एक होता है परमानेंट प्लांट टिश्यू। मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू को हम टेम्परेरी प्लांट टिश्यू भी कहते हैं, टेम्परेरी। परमानेंट प्लांट टिश्यू को बेटा हम नॉन मेरिस्मेटिक भी कहते हैं। परमानेंट प्लांट टिश्यू को हम क्या कहते हैं, नॉन मेरिस्मेटिक। इसको हम बेटा नॉन मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। परमानेंट प्लांट टिश्यू को हम बेटा नॉन मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो मेरिस्मेटिक क्यों कहा जाता है, मेरिस्मेटिक का मतलब होता है विभाज्योति, मतलब जो प्लांट टिश्यू अपने आप को बार बार डिवाइड कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू कहते हैं। जो अपने आप को बार बार क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं बेटा, जैसे एपिकल टिश्यू हो गया, लेटरल टिश्यू हो गया, इंटरक्लेरी हो गया, ये तीन प्रकार के मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू हैं। मतलब ये कभी भी परमानेंटली नहीं रहते हैं, इनमें क्या होता है डिवीजन चलता रहता है ना, इनमें डिवाइड होता है और नए टिश्यू बनते रहते हैं। तो ये जो टिश्यू हैं ये पौधे की लंबाई को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट की लंबाई बढ़ाते हैं, प्लांट की थिकनेस बढ़ाते हैं, है ना। तो ये सब काम जो है वो मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू का होता है। परमानेंट प्लांट टिश्यू का मतलब क्या है, अगर बेटा ये एक बार बन गए, परमानेंट प्लांट टिश्यू बेटा अगर एक बार फॉर्म्ड हो गए, तो इनको ये दोबारा फॉर्म नहीं होते हैं, ये दोबारा फॉर्म नहीं होते, परमानेंटली होते हैं। तो परमानेंट प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है सिंपल परमानेंट और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है तीन प्रकार का है, पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीन प्रकार का है। स्क्लेरेनकाइमा के भी जैसे प्रकार है फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स, है ना, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। पैरेन्काइमा में भी एक स्पेशल टाइप का प्लांट टिश्यू होता है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे एरेनकाइमा के ऊपर। कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू जो है बेटा दो प्रकार का है, कौन कौन सा, एक तो है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम में कौन कौन से, जैसे ट्रेकाइड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है एंड फाइबर्स है, जाइलम फाइबर्स है। इसमें क्या बेटा सीड ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, देखे करके चीजों को समझते हैं। जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू ये हैं, दीज आर द मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो अपने आप को बार बार डिवाइड करते हैं, इसलिए इसको हम टेम्परेरी टिश्यू भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेरी टिश्यू भी बोलते हैं। तो कहाँ पर रहते हैं, जैसे टिप पर हो गए, शूट पर हो गए, तो टिप पर कौन सा होता है एक्सियल मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। स्टेम के अंदर कौन सा होता है बेटा, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो अरेंज रहती हैं, मतलब ये पौधे की लंबाई को बढ़ाते हैं, मोटाई को बढ़ाते हैं, पौधे के नए भागों को निकालते हैं। परमानेंट टिश्यू में जैसे सिंपल परमानेंट की अगर मैं बात करूं, सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो कौन कौन से हैं भैया, पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो सॉफ्ट नेचर का होता है, इसमें लिक्विड कंटेंट ज्यादा होता है। कोलेनकाइमा टिश्यू जो होता है बेटा ये थोड़ा सा हार्ड होता है, फाइबर्स ज्यादा होते हैं, जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बबल्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं पैरेन्काइमा में, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा आपको रेड रेड है, मतलब ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होता है ये पूरी तरह से डेड होता है, ये पूरी तरह से क्या होता है, डेड होता है, मृत अवस्था में होता है। तो पहले हम बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू की। मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सबसे पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू है एपिकल है। एपिकल टिश्यू जो है वो पौधे की लेंथ को, लंबाई को बढ़ाता है, ये टिप पर होता है, ये किसी भी भाग के टिप पर प्रेजेंट होता है। इंटरक्लेरी जो है, इंटरक्लेरी जो टिश्यू है पौधे की थिकनेस को बढ़ाता है, एक इसको बढ़ाता है भैया, थिकनेस को बढ़ाता है, ठीक है, सॉरी नॉट थिकनेस इसे निकल गया भाई, कोई थिकनेस नहीं। इंटरक्लेरी जो टिश्यू है बेटा ये क्या करता है, ये पौधे में नए भागों को निकालता है, न्यू पार्ट्स को बेटा ऑरिजिनेट करता है, न्यू पार्ट्स को क्या करता, ऑरिजिनेट करता है। इससे क्या होता है भैया, इससे क्या है, पौधे के नए भाग निकलते हैं, है ना, मतलब ये प्रेजेंट होता है नोड्स पर, इंटर नोड्स पर।
लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है वो पौधे की मोटाई को बढ़ाता है, पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। देखो भाई इस सेशन में मैं आपको थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं लेके जाऊंगा, है ना, क्योंकि चीजों की थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है। इस सेशन में मैं आपको टाइप्स पे बता रहा हूँ कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट टिश्यू के टाइप्स कौन से हैं और एनिमल टिश्यू के टाइप्स कौन से हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे इस सेशन में, ठीक है। अब जैसे जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, पौधे के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, पौधे के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो जाइलम जो टिश्यू होते हैं, जैसे ये बाहर से पौधा है तो जाइलम टिश्यू अंदर की तरफ है, पहले फ्लोएम आता है फिर जाइलम आता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो पहले जाइलम है एंड देन फ्लोएम है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में बहुत ही पतली लेयर होती है जिसे हम कैम्बियम लेयर कहते हैं। जैसे यहां देखें आप, ये जाइलम हो गया, है ना, ये भी जाइलम हो गया, ये जाइलम हो गया। तो जाइलम में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि बेटा वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है ना। और फिर बीच में क्या है, बीच में कैम्बियम की लेयर है, बीच में क्या बेटा, कैम्बियम की लेयर है, कैम्बियम लेयर है। कैम्बियम क्या करता है भैया, हम पौधे के अंदर जो रिंग्स बने होते हैं ना, एनिमल रिंग्स, वो कैम्बियम प्रोटीन से बने होते हैं। इसके बाद क्या भाई, फिलोयम है। फिलोयम में ट्रांसपोर्टेशन ऊपर से नीचे होता है, क्योंकि फिलोयम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फिलोयम क्या करता है भाई, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जाइलम और फिलोयम के बीच में किसकी लेयर होती है, तो जाइलम और फिलोयम के बीच में जो लेयर होती है बेटा, वो कैम्बियम की लेयर होती है। कैम्बियम याद रखना इस बात को। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल रिंग्स की अगर हम बात करें, तो एनिमल रिंग्स जैसे फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रोथ, रेनी सीजन, है ना, रेनी सीजन, फिर ड्राई सीजन, इस तरीके से। तो देखो भाई, जब स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत ऋतु होती है, तो ये जो लेयर है वो मोटी रहती है एनिमल रिंग्स की, और जब रेनी सीजन आता है तो लेयर पतली हो जाती है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि एक एक रिंग एक एक साल में बन रही है। तो एनिमल रिंग्स की पढ़ाई को, एनिमल रिंग्स के गिनने की जो कला को हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, याद रखना इस बात को। स्टडी टू फाइंड द एज ऑफ प्लांट बाय एनुअल रिंग्स। अगर हमें एनुअल रिंग्स को गिनकर एज ऑफ प्लांट बतानी है, तो उसकी पढ़ाई को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू की। पैरेन्काइमा, अब क्योंकि हम मेरिस्टमैटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो पैरेन्काइमा जो है वो दो प्रकार का होता है, क्लोरेन्काइमा होता है, एरेन्काइमा होता है। देखो एक कोलेन्काइमा अलग चीज है, ये कंफ्यूज मत होना, कोलेन्काइमा बेटा अलग चीज है और क्लोरेन्काइमा अलग चीज है। तो पैरेन्काइमा दो प्रकार का है, एक क्लोरेन्काइमा है और एक एरेन्काइमा है, ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा जनरली ये जो पत्तियों में पाया जाता है, जो पैरेन्काइमा टिश्यू लीव्स में होता है, उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है इस टिश्यू में। एरेन्काइमा की अगर हम बात करें, तो एरेन्काइमा जो टिश्यू है, इट इज अ टाइप ऑफ अ पैरेन्काइमा टिश्यू, तो ये वाटर प्लांट में पाया जाता है, इट इज ओनली फाउंड इन वाटर प्लांट। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है किस ऊतक की वजह से जो वाटर प्लांट होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वो पानी पर तैरते हैं, है ना, किस टिश्यू की वजह से जो है वाटर प्लांट पानी पर तैरते हैं। तो वाटर प्लांट पानी पर तैरते किस वजह से हैं, ड्यू टू द एरेन्काइमा टिश्यू, बिकॉज एरेन्काइमा टिश्यू इज स्पॉन्जी नेचर, है ना। तो आपने देखा होगा कि एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं स्पॉन्जी नेचर के होते हैं, है ना। तो इस वजह से बेटा यह है पानी पर तैरते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now, next. अगर हम बात करें कोलेन्काइमा की, अगर हम बात करें बेटा कोलेन्काइमा की, तो कोलेन्काइमा में फाइबर्स होते हैं। कोलेन्काइमा में क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। जैसे गन्ना जो शुगर केन है, शुगर केन जो है पूरी तरह से कोलेन्काइमा से बना हुआ है। स्कैरेन्काइमा की बात करें तो इसमें डेड टिश्यू होते हैं, ये पूरी तरह से डेड होता है। तो पौधे का जो बाहरी कवच है, या जैसे नारियल का जो छिलका होता है ना, नारियल का जो छिलका होता है, वो पूरी तरह से किसका बना है, पूरी तरह से स्कैरेन्काइमा का बना है, पूरी तरह से स्कैरेन्काइमा का बना है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के हैं। तो जाइलम क्या करता है बेटा, जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेकर लीव्स तक, पत्तियों तक, है ना। तो यहाँ पे दो प्रकार की, जाइलम के अंदर दो प्रकार की कंडक्टिंग सेल्स होती हैं जो कंडक्ट करती हैं, लेकर जाती हैं पानी को ऊपर की तरफ। एक तो ट्रेकाइट्स और एक वेसल्स एलिमेंट है, ये दो मेन है जहां से कंडक्शन कैरी ऑन होता है। बाकी जाइलम और भी हैं, ठीक है। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम में कौन कौन से, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम बेटा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारे टाइप्स थे आपके प्लांट टिश्यू के टाइप्स थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनिमल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में बेटा पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ टाइप्स टाइप्स के आपके चर्चा करेंगे, देखेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं एनिमल टिश्यू के। तो देखो भाई, देखते हैं एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू दिस फोर टाइप्स, है ना। मेनली फोर टाइप्स के होते हैं एनिमल टिश्यू, कौन कौन से, एक तो एपिथेलियल, एक है मस्कुलर, एक है बेटा कनेक्टिव टिश्यू एंड एक है नर्वस टिश्यू। ये पांच, चार प्रकार के, सॉरी नॉट पांच, चार प्रकार के बेटा एनिमल टिश्यू हैं। एक एपिथेलियल टिश्यू, एक मस्कुलर टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू और एक नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये हमेशा किसी ऑर्गेन, किसी अंग या हमारा जो शरीर है, बॉडी है, इसके अपर लेयर को, जो ऊपरी कवच है उसको बनाने का काम करते हैं। जैसे हमारा जो, हमारी जो त्वचा है ये ऊपरी कवच है, तो त्वचा किससे बनी है भाई, एपिथेलियल टिश्यू से, समझ गए। मस्कुलर टिश्यू भाई ये मांस को बना रहे हैं, जो भी मांस हमारे पूरे शरीर में। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ देते हैं उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और नर्वस टिश्यू क्या होते हैं भैया, जो नर्वस कर दे, नर्वस नहीं करेंगे, इसमें से बेटा सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो सारा मैसेज जो ट्रांसमिशन का काम होता है, वो काम कौन करता है बेटा, नर्वस टिश्यू करता है, ठीक है। तो दे आर द फोर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, है ना। तो वन बाई वन चीजों को देखते हैं कि कितने कितने प्रकार में चीजें डिवाइडेड है। तो नाउ एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इंटू द फाइव टाइप्स, पांच प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर, है ना। दे आर द फाइव टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये जो नाम है इनके, ये स्ट्रक्चर बेस है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, जिनका स्ट्रक्चर क्यूबॉइडल हो, जिनका स्क्वैमस हो, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है। मैं एक बार स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, स्क्वैमस में क्या होता है, एक सिंपल लेयर होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है। तो स्क्वैमस जो है वो सबसे सरल है, सबसे सिंपल सा है। नाउ क्यूबॉइडल है, क्यूब की तरह, एंड नाउ दिस इज द कॉलमनर, दिस इज द कॉलमनर, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, तो ये जो है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे स्क्वैमस में कौन कौन सा, दो प्रकार के, सिंपल स्क्वैमस और एक होता है भाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है। और इसमें भी कई जगह ये भी होता है सिंपल स्ट्रेटिफाइड और एक सीलिएटेड भी होता है। एक कौन सा होता है भाई, सीलिएटेड। इसमें अंतर क्या है, इन शब्दों का अंतर है सारा। सिंपल स्क्वैमस या सिंपल कोई सा भी हो तो उसमें एक सिंगल लेयर होगी, स्ट्रेटिफाइड में क्या होगी, बहुत सारी लेयर्स होंगी, और सीलिएटेड में क्या होगा, आपका एक लेयर के साथ या दो लेयर के साथ ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सीलिएटेड स्क्वैमस कहेंगे, ठीक है। बाकी सीलिया का मतलब ही होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरह से क्यूबॉइडल में भी है सिंपल क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। इसी तरह से कॉलमनर में भी है सिंपल कॉलमनर और सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, इस तरीके से करते। ग्लैंडुलर एपिथीलियम जो होता है वो कहाँ पे बनता है, ग्लैंड को बनाने में फायदेमंद है, फायदेमंद मतलब ग्लैंड को बनाने में सहायक है, नॉट फायदेमंद, ठीक है। तो ये भाई ग्लैंड को बनाता है, जो भी हमारी ग्लैंड होती है, ग्लैंड के आंतरिक कवच को बनाने का काम जो है ग्लैंडुलर एपिथीलियम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं एपिथेलियम टिश्यू जो है इस तरीके से बेटा डिवाइडेड है। अब हम सेकंड टिश्यू की बात करते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब हम कर रहे हैं किसकी बात बेटा, मस्कुलर टिश्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है।
हम बात कर रहे हैं किसकी, मस्कुलर टिश्यू की। तो अगर बेटा हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं जिसे मांसपेशीय ऊतक कहते हैं, हमारी मांस को बनाते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक स्मूथ मसल है ना, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक एंड स्केलेटल। ये तीन प्रकार के होते हैं बेटा, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल। कार्डियक क्या होगा भैया, कार्डियक मतलब दिल हो गया, तो जो दिल में मांस है वो कार्डियक हो गया। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू भी भैया इनवॉलेंट्री होते हैं। इंटरनल ऑर्गेन्स की जो वॉल्स बनी होती है वो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है। कार्डियक वाला जो है भाई, ये आपका कार्डियक जो है ये हृदय में होते हैं, है ना, अकर्स इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ये हृदय में होते हैं बेटा। स्केलेटल कहाँ होते हैं, जो हमारे हाथ के ऊपर मांस चढ़ा हुआ है और भाई पैरों में जो मांस चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं आप ऐसे समझ सकते हो, तो वहां पर बेटा कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक। तो देखो भाई, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों ही इनवॉलेंट्री नेचर के हैं। इनवॉलेंट्री मतलब इनके मूवमेंट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम चाहें हमारा दिल रुक जाए तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या इंटरनल ऑर्गन्स की कोई भी चीज है तो उसको हम रोक नहीं सकते, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, है ना। जैसे हाथ की मांसपेशियां होंगी, पैर की मांसपेशियां होंगी, मैं लिख रहा हूँ, अंगुलियों की मांसपेशियां होंगी, तो दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स, इन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात करूं तो ये नॉन स्ट्रिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं। कार्डियक मसल्स जो है स्ट्रिएटेड होता है, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर है। स्केलेटल मसल्स भी स्ट्रिएटेड होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे कैसे फाइबर्स होते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स में, मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्मूथ और कार्डियक में यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्मूथ जो है वो नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है, जबकि कार्डियक और स्केलेटल जो है वो स्ट्रिएटेड मसल्स है ना। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा अगर हम डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करें तो जो स्केलेटल मसल्स है, कार्डियक मसल्स एंड विसरल मसल्स, विसरल मतलब स्मूथ मसल्स आप कह सकते हो इसको, ठीक है, स्मूथ मसल्स कह सकते हो इसको, ठीक है। ठीक, तो विसरल मसल्स को स्मूथ मसल कहते हैं। तो ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, स्केलेटल मसल्स लोकेटेड होता है भाई स्केलेटल में। कार्डियक मसल कहाँ लोकेटेड होता है, दिल में, हृदय में। विसरल मसल्स होते हैं जीआई ट्रैक में, यूट्रस में, आई में। जो भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है वो स्मूथ मसल या फिर विसरल मसल से मिलकर बना हुआ है, वो विसरल मसल से मिलकर बना हुआ है। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। फिजिक्स पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ा तो रखिए भाई, फिजिक्स ही तो पढ़ाते हैं। बहुत दिन बाद बायो का कोई टॉपिक लिया है। ऐप पर बेटा फिजिक्स ही चल रही है, एप्लीकेशन पे फिजिक्स ही चल रही है, आपकी टेंशन ना लो, वहां पे फिजिक्स चल रही है और यहाँ पे भी फिजिक्स ही चल रही है, ठीक है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो देखो स्केलेटल मसल के फंक्शन क्या है, जैसे मूवमेंट, हीट, पॉस्चर, ये स्केलेटन पर होता है। जो हमारी जो हमारा स्केलेटन है उसके ऊपर जो मांस चढ़ा हुआ है, मतलब हड्डियों के ऊपर जो मांस चढ़ा हुआ है वो स्केलेटल मसल्स होती है, कहने का मतलब ये है। ये स्ट्रिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और वॉलेंट्री होती है। सबसे बड़ी बात है ये वॉलेंट्री है, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डियक मसल्स जो है वो स्ट्रिएटेड है, एक यूनिन्यूक्लियस है इसमें, एक ही न्यूक्लियस होता है और इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री। काम कार्डियक मसल का पता ही, दिल में होती है तो ब्लड को पंप करने का इसका काम होता है, ब्लड को पंप करता है। विसरल मसल्स जो होता है बेटा, इसमें ब्लड प्रेशर, पिपिल साइज, ये सब विसरल मसल्स है। जो इंटरनल ऑर्गन्स है विसरल मसल्स है और ये इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, हम बात कर लेते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है हमारी त्वचा के जस्ट नीचे
इस तरह का जो लेयर सा निकलता है इसे हम क्या कहते हैं, एरियोलर कनेक्टिविटी। इसे एरियोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका अपीयरेंस कैसा दिखता है, एयरी लाइक अपीयरेंस दिखता है, ऐसा लगता है कि इनमें हवा भरी पड़ी हुई है, इसीलिए इनका नाम क्या डाला हमने, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाए जाते हैं, नर्व बंडल्स के चारों तरफ पाए जाते हैं, मसल्स के चारों तरफ पाए जाते हैं, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इन जगह पे बेटा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। एडिपोज टिश्यू जो है वो कहाँ पर होते हैं बेटा, एडिपोज टिश्यू जो है वो स्किन के पास होते हैं, बट ऑल्सो फाउंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के भी चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका काम होता है कि जो भी हीट या कोल्ड, एक इंसुलेशन प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, बाकी इनका और भी बहुत सारे फंक्शन है। इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, जैसे एक वाइट एडिपोज टिश्यू होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू क्या करता है, एनर्जी को स्टोरेज करता है, रिलीज करता है। ठीक है, एक होता है बीच एडिपोज टिश्यू, है ना, बीच एडिपोज टिश्यू, BAT जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हालांकि बीच एडिपोज टिश्यू के साथ साथ एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू भी होता है। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू जनरली बेटा चार प्रकार के होते हैं, एक वाइट एडिपोज टिश्यू, एक है बीच एडिपोज टिश्यू। इसका बेसिकली काम क्या है, थर्मोजेनेसिस करना, एंडोक्राइन ऑर्गेन के पास ये होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करता है और थर्मोजेनेसिस करता है, ब्राउन कलर का। ठीक है भाई, ये ब्राउन कलर का है और ये मेन रूप से लिपिड्स को स्टोर करता है, लिपिड्स को स्टोर करने का काम है इसका। ठीक है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा। फिर इसके बाद है पिंक एडिपोज टिश्यू। पिंक एडिपोज टिश्यू जो है ये जनरली फीमेल्स में देखने को मिलता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये फॉर्म होता है और लैक्टेशन के समय पर ये लैक्टेशन के लिए बहुत ही सहायक होता है, पिंक एडिपोज टिश्यू जो है। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक, लास्ट वन इज द व्हाइट एडिपोज टिश्यू। तो एक चेन है, मतलब व्हाइट एडिपोज टिश्यू इज कनेक्टेड इन टू द बीज एडिपोज टिश्यू, देन ब्राउन एंड देन पिंक एंड देन व्हाइट। एक सर्कुलर चेन है जो इस तरीके से राउंड करती रहती है। ठीक है, नाउ लास्ट जो एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन वर्सेस लिगामेंट। टेंडन क्या करते हैं, टेंडन बोन को मसल से जोड़ते हैं, BTM याद कर लो, विच कनेक्ट बोन टू मसल, उसे टेंडन कहते हैं। लिगामेंट क्या कहते हैं, बल्ब, बल्ब याद कर लो भैया, यहाँ पर तो बोन को बोन से जो जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लिगामेंट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिगामेंट कहते हैं, जो कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है। एक और भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे कार्टिलेज वगैरह होते हैं, कार्टिलेज टिश्यू जो होते हैं, कार्टिलेज बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक हाईलाइन कार्टिलेज होता है, एक इलास्टिक कार्टिलेज होता है, एक फाइब्रो कार्टिलेज होता है। ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज जैसे हमारे नाक, नाक की जो टिप है वो हाईलाइन कार्टिलेज से बनी हुई है ना, नाक की जो टिप है बेटा हाईलाइन कार्टिलेज से बनी हुई है। शोल्डर के पास जो कार्टिलेज है, रिब्स के बीच में जो कार्टिलेजेस है, ठीक है, ये सब हाईलाइन कार्टिलेज है ना। जो वर्टिब्रल कॉलम है, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम की जो डिस्क है उसके बीच में कार्टिलेजेस है, तो वो बेटा सारे के सारे फाइब्रो कार्टिलेज है। घुटने में जो कार्टिलेज है, हम जो पटेला जो हड्डी है वहां पे जो कार्टिलेज है वो सब फाइब्रो कार्टिलेज है। ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेजेस जो होते हैं, जनरली जो एक्सटर्नल ईयर है हमारा, वो वहां पर इलास्टिक कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, नाउ एक और जो कनेक्टिव टिश्यू है, इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड, रक्त। रक्त भी हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है। ब्लड में क्या क्या होता है बेटा, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है, RBC होता है और WBC होता है ना। ब्लड में बेसिकली हम ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो प्लाज्मा और एक करते हैं सेल्स, ब्लड सेल्स। सेल्स जो हैं ब्लड में तीन प्रकार की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, और बेटा कौन सी, प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से ब्लड में जो चीजें हैं वो डिवाइडेड हैं, बटी हुई हैं। एक है बेटा लिम्फ। लिम्फ भी क्या करता है, लिम्फ जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के पैलर में चलता है और
बेसिकली यह है हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, अनवांटेड मटेरियल्स हैं, उसको बाहर निकाल देता है लिम्फ जो है। ठीक है, तो लिम्फ के अंदर बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, WBC भी होती हैं, जो कि पूरे शरीर में ट्रेवल होती हैं। ठीक है, लिम्फ नोड भी शरीर में बन जाते हैं, जैसे गांठ टाइप बन जाते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कांख वगैरह के, जहाँ पे कई सारे बहुत सारा लिम्फ इकट्ठा हो जाता है, उस तरह से उसे हम लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। स्वेलन लिम्फ नोड है, ये स्वेलन लिम्फ नोड है। तो स्वेलन लिम्फ नोड में जो है बहुत सारा लिम्फ फ्लूड जो है इकट्ठा हो जाता है, एक्सिस में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इस तरीके से लिम्फ नोड भी क्या हो जाते हैं भाई, बन जाते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं। एक लास्ट जो एनिमल टिश्यू बचता हुआ नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू क्या होता है बेटा, नर्वस टिश्यू जो है वो हमारे शरीर में मैसेज को ट्रांसफर करता है। क्या करता है, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है, मैसेज का ट्रांसफर करता है पूरे शरीर के अंदर। ओवरव्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम प्रॉपर्टी, इसमें क्योंकि जो नर्वस टिश्यू है ये मिलकर किससे बना होता है, ये न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है, इसमें साइनेप्सिस होते हैं। ठीक है, साइनेप्सिस का मतलब क्या है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये आपका न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल का एक स्ट्रक्चर है, और न्यूरॉन जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। सबसे क्या होता है बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, सबसे लंबा सेल जो है वो न्यूरॉन सेल है। तो ये सारी चीजें थी, ये सारी बातें थी बेटा। तो इस सेशन में मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो क्या बताई हैं, इस सेशन में बेटा आपको मैंने बताया कि टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू क्या है, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू क्या, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर लाके आपके सामने रखा। ठीक है, तो अगर बेटा आपको एनडीए एयरफोर्स एक्सटेंड वाई नेवी का सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के ऊपर, तो आप ले सकते हैं। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 8,800 रुपये है, 12 मंथ की जो फीस है, 24 मंथ्स की जो फीस है वो 10,560 रुपये है। इस पर अगर आप कोड अप्लाई करते हैं बेटा, GS01 कोड अप्लाई करते हैं, तो 10% का डिस्काउंट मिलता है 9,504 रुपये। और इस पर अगर आप GS01 कोड यूज करते हैं तो यहाँ पे भी 10% का डिस्काउंट मिलता है 7,920 रुपये। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, तो GS01 ये जो कोड है बेटा, ये आपके किसी भी सब्सक्रिप्शन पर, अनअकैडमी किसी भी सब्सक्रिप्शन पर ये लागू होता है, हर सब्सक्रिप्शन पर इसको आप लागू कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर कोई भी है SSC का सब्सक्रिप्शन, बैंक का सब्सक्रिप्शन, UPSC का, किसी भी चीज़ का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ये जो कोड है बेटा हर सब्सक्रिप्शन पर लागू होता है, तो इसको आप ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी, ये सारी बातें थी बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। नाउ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, मेक श्योर योर यूजफुल यूट्यूब कमेंट्स, एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। टेलीग्राम ऐप को बेटा जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को वाईफाई स्टडी शौर्या, इसको बेटा जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद।